हाँ दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अली। आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट। आज हम आपको बताएंगे कि इमरजेंसी लाइट कैसे बना जाता है, इमरजेंसी लाइट को कैसे रिपेयर किया जाता है। आप घर ही बैठे इमरजेंसी लाइट आप बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना भूलिएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो क्लास देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक बैटरी है, जो 12 वोल्ट 1.5 एएच का बैटरी है। ठीक है दोस्तों, एक तो स्विच है, देखिए स्विच है। आपको दो एलईडी बल्ब चाहिए, एक भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे पास एक एलईडी बल्ब है, दो तो एक चार्जिंग पिन है, आप देख सकते हैं चार्जिंग पिन है, बेसिकल चार्जिंग पिन है। और आपके पास एक डायोड होना चाहिए, देखिए तो 4007 इसका है, मॉडल नंबर है इसका, देखिए। और मेरे पास एक एलईडी चाहिए जो चार्जिंग शो करता है। और आपके पास एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये रेजिस्टर है। चलिए सर, तो आपको इमरजेंसी लाइट बनाने से पहले आपको डायग्राम में मैं समझाता हूँ इसका कनेक्शन किस तरह करना है। चलिए सब डायग्राम को बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने डायग्राम को बना लिया है। चलिए अब इसके कनेक्शन समझते हैं। अब कनेक्शन पर समझने से पहले आपको बता दें कि ये डीसी है दोस्तों, ये डीसी सप्लाई है। डीसी में प्लस माइनस होता है। देखिए दोस्तों, और अब आप डीसी कम कीजिएगा, जिसमें लो डायरेक्ट करेंट जो ये सब रहता है, जो 12 वोल्ट का 20 वोल्ट का बैटरी होता है, इसमें डीसी में प्लस माइनस होता है। ठीक दोस्तों, मतलब आपको ये जो प्लस है, आप इस एलईडी को प्लस में जोड़िएगा, इस माइनस को इस माइनस में जोड़िएगा, तभी एलईडी बल्ब जलेगा। वरना आप अगर प्लस माइनस गलती होगा तो आपको एलईडी बल्ब नहीं जलेगा। चलिए दोस्तों, तो कनेक्शन करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम चार्जिंग सप्लाई का कनेक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये डायोड है जो 4007 है। देखिए दोस्तों, ये डायोड है, आप देख रहे हैं डायोड, ठीक है। इसके ऊपर एक पट्टी रहता है सिल्वर का, देखिए दोस्तों, आप ऐसा करो तो दिखाते होगा, साफ नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक वाइट पट्टी दिखाई देता होगा। ठीक है दोस्तों, इधर प्लस करता है, इधर माइनस होता है, ये इनडायरेक्ट में काम करता है दोस्तों। ये एक ही सप्लाई में लगता है, ये प्लस माइनस में लगता है, एक ही सप्लाई में लगाया जाता है इसको। अब इस प्रकार इसको सप्लाई इन कीजिएगा माइनस पे, तो ये प्लस से आउट करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सप्लाई इस पर दीजिएगा प्लस पे, तो माइनस से सप्लाई नहीं कर दीजिएगा, इधर नहीं देगा, ये एक ही साइड काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये पिन है, चार्जिंग पिन है। ये जो ऊपर रहता है वो माइनस होता है, ये जो नीचे का रहता है बीच वाला, ये प्लस होता है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये ऊपर का सिरा है, ऊपर का सिरा, ये माइनस है, जो अंदर का है प्लस होता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस में दोस्तों कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होता। आप अगर प्लस में लगाएगा यहाँ पे इन कीजिएगा प्लस, तो ये प्लस से आउट करेगा। और आप माइनस इन कीजिएगा, अगर माइनस आप इन कीजिएगा तो माइनस से आउट करेगा। ठीक है दोस्तों, और बता एलईडी बल्ब के बता दें, ये एलईडी बल्ब इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, हमको चेक कर लेना है प्लस कौन साइड प्लस है, किस साइड माइनस। ठीक है, तो हम ले लेंगे एक बैटरी ले लेंगे, ठीक है, बैटरी पे लिखा है यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, एलईडी बल्ब ले लेंगे, इसको हम चेक करेंगे सर जला कर, जैसे जल रहा है, हम देखें किस साइड कौन सा ले गए। ठीक है दोस्तों, प्लस है, इस साइड जो है ये प्लस में सट रहा है तो जल रहा है, इसका मतलब ये साइड प्लस हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब स्विच की बात करते हैं। तो दोस्तों, स्विच में प्लस माइनस में रहता है, अगर आप यहाँ से इन कीजिएगा प्लस, यहाँ से ये प्लस निकलेगा, अगर यहाँ से आप माइनस इन कीजिएगा, यहाँ से माइनस आउट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो चार्जिंग सेक्शन है इस बैटरी से कनेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चार्जिंग को इस डायोड से जोड़ेंगे। अब
ये चार्जिंग सप्लाई देगा डायोड से, डायोड सप्लाई देगा तो इसको हम पीछे से सप्लाई करेगा, यहाँ पे देंगे सप्लाई तो इधर से आउट नहीं करेगा, प्लस में देंगे आउट नहीं करेगा, मतलब हम इसका माइनस पे करेंगे, जैसे इसको हम इधर सप्लाई माइनस पे देंगे, फिर तो ना सप्लाई माइनस में दे दिया तो ये इधर से आउट करेगा, ये आउट करके ये बैटरी कनेक्टर में चला जाएगा, बैटरी कनेक्टर प्लस में आ गया। फिर दोस्तों अब इधर से इन किए, इधर से डाइवर आउट किया, बैटरी कनेक्टर में आ गया, इसे पॉजिटिव सिरा बचा, इसका जो निगेटिव है इसको इसको इसमें निकालेंगे, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। फिर दोस्तों जो मैच निकला बैटरी से कनेक्ट हो गया, मतलब उसका उसका बैटरी चार्ज हो रहा है, लेकिन इंडिकेट नहीं कर रहा है चार्ज नहीं, चार्ज हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हम ये एल ई डी बल्ब को एडिस्टेंस को उपयोग करेंगे। फिर दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, आप इधर से जो आउट है ना, आप आउट को एल ई डी बल्ब नहीं देना है, इसको इन में देना है, मतलब जो अगर आउट पर दीजिएगा यहाँ पर दीजिएगा तो बैटरी से जलेगा, अभी इन पर दीजिएगा तो बैटरी से नहीं जलेगा। आपको क्या करना है, ये प्लस का सिरा है, आपको प्लस को इसमें प्लस में जोड़ देना है, अब यहाँ से प्लस आउट किए ये भी आपका प्लस हो गया, तो प्लस में इसको प्लस में आउट कर देंगे, आज ये रेजिस्टेंस है आपको प्लस तो मिल गया, बच्चा आपका ये माइनस, इसको माइनस हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, माइनस को रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, आपको प्लस तो मिल रहा है लेकिन माइनस नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस को आप क्या करना है आपको इस माइनस में जोड़ देना है। फिर तो आपका एल ई डी काम करेगा, आप जब इन इसमें कीजिएगा आपका ये एल ई डी जलेगा, इसका तो हो गया, चलिए आपको एल ई डी को कनेक्शन करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे आप यहाँ पे प्लस उठा सकते हैं माइनस उठा सकते हैं, चलिए हम प्लस उठा के देखते हैं, जब का प्लस है एल ई डी का ये प्लस है, इसको आपको क्या करना है इसमें सप्लाई दे देना है, इसमें सप्लाई दे दिए, अब बच्चा आपका माइनस, ठीक है यहाँ बच्चा माइनस, अब आपको स्विच से करना है, तब क्या करेंगे इसको इस माइनस को लेकर हम स्विच में डाल देंगे, फिर दोस्तों स्विच में कनेक्शन कर देंगे, इसे हम एल ई डी से माइनस उठाएंगे स्विच में कनेक्शन कर देंगे, अब जब आप माइनस को स्विच में कनेक्शन कीजिएगा तो यह माइनस आपका हो गया, ये भी आपका इन आपका इन हो गया माइनस, आउट भी हो गया माइनस, ठीक है, हम यहाँ पर प्लस देंगे तो प्लस आउट करेगा, तो इसको हम क्या करेंगे इसको माइनस में जोड़ देंगे, चलो इसको माइनस में जोड़ दिए, ठीक है, तो आपको डायग्राम समझ में आया होगा, तो देखिए फिर आपको समझा दे रहे हैं, इधर से हम ये चार्जिंग में हमको लगा चार्जिंग पिन हो गया, ठीक है, ये जो अंदर वाला है प्लस होता है ऊपर का माइनस होता है, तो हम इसको प्लस से निकालेंगे डायोड को एनोड पे देंगे, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव से निकलेगा, ये जो निकलेगा सीधे बैटरी का प्लस पर जाएगा, ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे माइनस जो ऊपर है इसको हम जैसे निकालेंगे सप्लाई, इसको माइनस में देंगे, आपका बैटरी चार्ज होगा लेकिन इंडिकेट नहीं करेगा, इंडिकेट कैसे करेगा, हमको एल ई डी बल्ब को सप्लाई देना पड़ेगा, तो आपको एल ई डी बल्ब का प्लस है जो ये जो आउट है आउट में नहीं देना, आपको इन में देना है, जो ये इन हो रहा है चैन से निकल कर इन हो रहा है इसमें, तो आपको यहाँ पे देना है, तो आपको ये पे एल ई डी बल्ब पे प्लस का प्लस मैंने यहाँ पे कर दिया कनेक्शन, जो माइनस निकाल कर रेजिस्टेंस मिला दिए, रेजिस्टेंस लेकर माइनस में डाल दिए, तब का ये प्लस में मिल रहा है, इधर से माइनस में मिल रहा है, तब का एल ई डी बल्ब आप इन पर इन कीजिएगा तो एल ई डी बल्ब जलेगा, अब आ गया एल ई डी बल्ब को, तो इसको मैं इसको प्लस है तो पे माइनस है, फिर तो ये जो प्लस है प्लस है प्लस में कर देंगे, ये माइनस है इसको स्विच में जोड़ देंगे, और इससे बाहर इसको स्विच से आउट करेंगे माइनस इस पर देंगे कि आपका एल ई डी बल्ब स्विच से काम करने लगेगा, दोस्तों इसमें प्लस माइनस एल ई डी जो ए सी डी सी है ना, एस डी सी में प्लस माइनस काम करता है और ए सी में प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है, हम आपको अगले वीडियो बताएंगे ए सी के बारे में, और आपको पूरा आपको इलेक्ट्रिशियन का जितना भी काम है जितने बोर्ड है हमको सब कनेक्शन करके आपको बताएंगे, आपको ड्रॉ भी करके बताएंगे, आप प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे, तो चलिए इसको हम इसको कनेक्शन करते हैं आपको बताते हैं, देखिए दोस्तों मैंने इसको बना लिया है, आपको समझा देता हूँ, देखिए चार्जिंग है जो इधर से आउट निकाले हैं, और इसका जो डाइवर्टर यहाँ पर मैंने सेट किया है प्लस में, जब प्लस देख रहे हैं माइनस देख रहे हैं, और ये मैंने डाइवर्टर को इधर से चार्जिंग कैसे इन किया, और इधर आउटपुट दे रहा है यहाँ बैटरी कनेक्टर पर, देखिए ये सिल्वर सीना इधर होना चाहिए, और ये एलईडी बल्ब है
जो मैंने एक को प्लस में चार्जिंग पे पास जोड़ दिया, एक दूसरा नेगेटिव में मैंने रेजिस्टेंस लगा कर यहीं पर न्यूट्रल दे दिया। लेकिन जो माइनस निकल रहा चार्जिंग पिन से, वो बैटरी पॉइंट पर माइनस कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो कुछ समझ लिया चार्जिंग किस तरह होता है। अब एल ई डी कनेक्शन पर समझा रहा हूँ। नेक्स्ट, तो जो प्लस है तो उसे निकलते हुए एक एल ई डी बल्ब में आया, जो दोनों एल ई डी बल्ब के प्लस में ये बीच में लगा, और ये जो न्यूट्रल इसका न्यूट्रल इसको जो हमने शॉर्ट करा दिए हैं, शॉर्ट करा कर यहाँ से न्यूट्रल निकाले, एक ये स्विच में ले गए और स्विच से निकाल कर यहाँ पर न्यूट्रल जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, मैंने एक न्यूट्रल यहाँ पर निकाला और ये स्विच से जोड़ा, स्विच से आउट हुआ जो एल ई डी बल्ब गया। तो ये न्यूट्रल जो यहाँ से आउटपुट हुआ और जाकर एल ई डी के मैच में इन हो गया। उस तरह प्लस को मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं एल ई डी बल्ब से, प्लस में मिला दिए। जैसे मैंने प्लस को आपको दिखा दे रहा, प्लस को मैंने डायरेक्ट इस एल ई डी के प्लस में डाल दिए। आप जैसे बता दें कि इसको आप कहाँ पे सेट करें, आपको यहाँ आप इसके इस यहीं पे सेट कर सकते हैं, आप यहीं पे सेट कर सकते हैं, या तो आप अपना पास अगर डिब्बा हो, आप इसमें का डिब्बा हो तो आप डिब्बे में सेट कर सकते हैं। आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, किसी भी तरह के डिब्बा में किस तरह डिमा लगा सकते हैं। हम तो इसको यहीं पे सेट करेंगे, इसी बैटरी को सेट करके आपको देखेंगे हमने किस तरह सेट किए हैं। चलिए, नहीं दोस्तों मैंने इसको सेट कर लिया है, देखिए इसको मैंने इसको किस तरह सेट कर लिया है। इस पर टेपिंग कर दिए हैं, इसको यहाँ पर सेट कर दिए हैं स्विच को, इसको चार्जिंग को यहाँ पर सेट कर दिए। देखिए तो हम इसको चार्ज लगा देते हैं, नहीं चल रहा है, इसको ऑन करेंगे। नहीं दोस्तों ये पढ़ने में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं स्लाइड पढ़ने के लिए हमने बनाया है, इसको हम चार्ज करेंगे, इसको आराम से रात को पढ़ सकते हैं या भी कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। ये अभी स्लो चल रहा है इसलिए इसको चार्ज भी नहीं हुआ है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भूलें। थैंक यू सो मच।